आज हम आपको करा रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन करवा रहे हैं आपको। अब सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, मैग्निफिकेशन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, एक आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, और एक आपके पास एरियल मैग्निफिकेशन। ये हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे, बट अभी आपको हम करवा रहे हैं सिंपली लीनियर मैग्निफिकेशन। कई बार हम इसको सिर्फ ओनली मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, बट अगर हम कैटेगराइज वाइज पढ़ते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, और एरियल मैग्निफिकेशन डिफरेंट है। एरियल मैग्निफिकेशन में एरिया इन्वॉल्व होता है, लीनियर में सिर्फ हाइट्स और लेंथ आपकी इन्वॉल्व होती है, और बट आपका एंगुलर में आपके पास एंगल इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद है, सबसे पहले हम किसके लिए ले रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन? ये आप कन्वेक्स मिरर के लिए ले सकते हो, और ये आप कनकेव मिरर के लिए भी ले सकते हो। देयरफॉर वी आर ड्राइविंग द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ कनकेव मिरर। आओ सबसे पहले कंसीडर अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ। और इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी मीनिंग है, जहां पर आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं वहां कैपिटल यूज करना है, जहां पर आप स्मॉल करते हैं स्मॉल करते हैं, क्योंकि कैपिटल एफ का दूसरा मीनिंग होता है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। अब लेट हम ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करते हैं? लेट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बियॉन्ड एफ। एफ का मतलब क्या? ये जो एफ है, कैपिटल एफ है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस ही होता है, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास है कनकेव मिरर। केव मतलब गुफा, जिसका लास्ट वर्ड क्या होता है? केव है, या तो हम उसको डेन बोलते हैं या हम उसको गुफा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो तो गुफा जो शेप होती है आपकी इस तरह की होती है, उसका जो सामने से मुंह होता है गुफा का, इस शेप का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, इसका मैं एक पोर्शन शेड कर लेता हूं, ये देख लीजिए, इस पोर्शन को शेड कर दिया, शाइनिंग पोर्शन ये इसका, ये शेडेड पोर्शन है। हमने क्या कंडीशन दी, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर रहे हैं और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पोल पी होता है। मान लो प्रिंसिपल फोकस आपका यहां है, इससे बियॉन्ड, इससे बाहर हमारे पास ये प्रिंसिपल फोकस एफ है, इससे बाहर कहीं भी ऑब्जेक्ट है। देख लो, मान लो ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इसके रूल्स फॉर रे डायग्राम के लिए हम पिछली वीडियो में बता चुके पहली बार, और अब आप फिर से देख लो, दो रेज से, एटलीस्ट दो रेज से भी हमारा इमेज ड्रॉ हो सकता है। पहली रे हम ले रहे हैं, यहां देख लो, अरे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है? प्रिंसिपल फोकस या फोकस से। सेकंड, अरे विच इज स्ट्राइकिंग एट पॉइंट पी, दैट इज पोल। अब बताओ रिफ्लेक्शन वर्क किस तरफ जाएगी? हाँ, जिस एंगल पर स्ट्राइक कर रही है उस एंगल पर वापस जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये इस पाथ को ट्रेस करती है। जहां पर इसका मीटिंग पॉइंट है, ये बताओ कहां से स्टार्ट हुआ था? ए से, तो मीट कहां हुआ? वापिस ए पे हुआ। इन दिस वे जो फाइनल इमेज है आपका वो कहां बन रहा है? इस पॉइंट पे। और ये आपके पास ए बी है, तो ये आपके पास हुआ ए डैश, और ये आपके पास है बी डैश, ये आपके पास इमेज है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक मेरे पास ट्राइंगल देखो ए बी पी, दूसरा ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ले सकता हूं? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर उनके जो साइड है आर इन प्रोपोर्शन, दो तरह से हम ले सकते हैं। अगर इनके एंगल आपस में बराबर है तो ट्राइंगल्स कैसी होती है? सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। तो देख लो बराबर, अब ऑटोमेटिकली ये देखिए, ये जो एंगल है आपके पास, योर एंगल कौन सा है? ये एंगल है आई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आर, आई और आर दोनों बराबर होते हैं। अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये कितना है 90, और ये एंगल कितना है 90, इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, ये दोनों 90 है, ये आई और आई बराबर है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। समझ रहे हो ना? अब हम लिख सकते हैं इसको, मैं प्रूव नहीं करना, सिमिलर बता रहे आपको, ये देखो दोनों रेज ऐसे आती, ये देखो एज ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ट्राइंगल में देखो, अगर ए बी पी सिमिलर है ए डैश बी डैश पी, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उसकी साइड्स किस में होती है? प्रोपोर्शन में। इसका मतलब है मैं इसका हाइट ले सकता हूं। अब मैंने क्या कर लिया, इसकी मैंने हाइट ले ली ए डैश बी डैश अपॉन, इसका हाइट क्या है ए बी, इज इक्वल टू, अगर मैं इस ट्राइंगल का हाइट ले रहा हूं, इसका ट्राइंगल का बेस भी लूंगा, बेस क्या मेरे पास बी डैश पी डिवाइड बाय, और इसका हाइट बेस क्या है बी पी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। देख लो इसकी जो हाइट है, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, इसका हाइट होता है एच, और इसकी हाइट होती है एच डैश, और इसका जो डिस्टेंस है इस वाले इमेज का, इमेज का डिस्टेंस दैट इज वी, और दूसरे वाले का डिस्टेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट का, ये है यू, यू मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं फ्रॉम पोल। इतना क्लियर हो गया? ये यू और ये डिस्टेंस क्या है वी। अब हम क्या करेंगे यहां पर यूजिंग साइन कन्वेंशन, देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या था, पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, अपवर्ड वाली हाइट पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाली हाइट नेगेटिव होती है। अब यहां पर देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या आपके पास एच डैश, यूजिंग साइन कन्वेंशन इसको ले सकता हूं, पहले मैं इसको यहां टेक डाउन कर लेता हूं। देखो ये है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन व्हाट बी पी। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन ए डैश बी डैश क्या है, व्हाट इज ए डैश बी डैश, दैट इज एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू, इसका हाइट एच है और इसका क्या है एच डैश हाइट, ये वाली जो हाइट है एच डैश है, क्या हाइट आपका एच डैश। अब यहां पर देख लो नीचे वाला क्या हाइट नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन, क्या मैं इसको नेगेटिव ले सकता हूं, सॉरी ये वाली हाइट, ये हाइट एच डैश है, ये नेगेटिव होती है और एच पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये वाला नेगेटिव। और सेकंड देखो बी डैश पी लेफ्ट साइड नेगेटिव, बी डैश पी क्या है बी डैश पी दैट इज वी माइनस वी, ये आपके पास है वी माइनस में, और बी पी क्या है, बी पी आपके पास क्या है यू, ये दोनों ही माइनस में है, बोथ आर इन माइनस, दोनों वैल्यू किसमें है माइनस में, और माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल आउट। अब यहां पर हमारे पास रेशो क्या आता है, क्या मैं इस माइनस को शिफ्ट कर सकता हूं उस तरफ, बिल्कुल, इसका मतलब हुआ h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये जो रेशो है
जो रिलेशन है इन दोनों का, हाइट का और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज का, जो आपस में रिलेशन सेटअप हुआ, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। बट कौन सी मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आगे याद रहे, न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और प्लस टू तक आपका ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं? हमेशा व्हाइल यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, नोट दिस पॉइंट, यू हैव टू अप्लाई अलोंग विद वी एंड यू, नॉट विद एच डैश अपॉन एच। हालांकि इसका माइनस कैंसिल हो चुका है, फिर भी हम इसके साथ यूज करते हैं। तो ये डिसाइड हो चुका है कि हम हमेशा ही न्यूमेरिकल में इसका नेगेटिव साइन वी और यू के साथ यूज करेंगे, नॉट विद एच डैश एंड एच। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।